कि विकास कितना होना चाहिए, कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, और इसका हर व्यक्ति का आकलन बेरोजगारी और महंगाई का अलग अलग है, हर व्यक्ति का मानक अलग अलग है। एक ही प्रश्न को कई आदमी जांचते हैं, 10 में कोई 2 नंबर देता है, कोई 8 नंबर देता है। आज तक का इतिहास है कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी, प्रति वर्ष नौकरी का जो रेशियो है 70,000। जो भ्रष्ट अधिकारी है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए वो पेपर लीक कर देते हैं। 1 जून को काशी में चुनाव होना है, जिसको लेकर आज न्यूज वर्ल्ड की टीम पहुंच चुकी है पांडेपुर में, जनता का रुख जानने कि क्या है जनता का इस बार मूड, जनता किसको किस तरह से वोट करेगी आज हम जानते हैं। जनता के खुद बीच में हैं, हमारे साथ चाचा जी बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चाचा जी का क्या मूड है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है तिरकधारी प्रसाद, ग्राम हाजीपुर चोलापुर वाराणसी। क्या इस बार मुद्दा है आपका जो है? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों, क्या क्या ऐसा है? ये कि भाजपा सरकार में किसी बच्चों को 10 साल में नौकरी नहीं मिली है। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत महंगाई चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे है, किस तरह का महंगाई देख रहे हैं क्या? 180 रुपए किलो दाल चल रहा है, 150 रुपए किलो चल रहा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। क्या कर रहे हैं चाचा जी? कह रहे हैं इनका कहना है कि महंगाई है, इसलिए जो है सरकार को बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? भाई अब बदलने उदलने की बात तो नहीं मैं करता, लेकिन यह कि महंगाई या बेरोजगारी चरम पर है, तो ये मुद्दा है इस बार, ये मुद्दा है और उस ये बिल्कुल। क्या लगता है चाचा जी आपका? क्या वही समर्थन हमारा है, बेरोजगार की? हाँ हाँ, बेरोजगार। तो और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साहब जो है दुकान भी चला रहे हैं और लस्सी की दुकान भी चला रहे हैं, इनका भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको लगता है, मतलब क्या लगता है कि इस बार आपका जो है मुद्दा रहेगा? जब बुजुर्गों ने बता दिया कि महंगाई है, कांग्रेस की सरकार है, अब हम युवा हैं तो आपको भी पता ही है कि युवा तो सब परेशाने हैं। और भी लोग हैं, वकील साहब भी हैं, वकील साहब भी आ गए हैं। वकील साहब, वकील साहब क्या लगता है कि कल जो है आप लोग के लोगों से जो है योगी जी भी मिले थे, योगी जी में किया था आप लोगों ने, क्या लगता है कि क्या इस बार रहेगा? देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये मतदान हर आदमी का अधिकार है और गोपनीय अधिकार है जी। तो कोई भी व्यक्ति जो सक्षम जागरूक नागरिक होगा इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। डिस्क्लोज करने की बात नहीं कर रहे वकील साहब, बस ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि हर चीज मुद्दा तो देखिए विकास का है कि विकास कितना होना चाहिए, कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, और इसका हर व्यक्ति का आकलन बेरोजगारी और महंगाई का अलग अलग है, हर व्यक्ति का मानक अलग अलग है। एक ही प्रश्न को कई आदमी जांचते हैं, 10 में कोई 2 नंबर देता है, कोई 8 नंबर देता है, और बाकी परिणाम 4 जून को आ ही जाएगा। तो क्या लगता है विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आप देखिए विकास तो हुआ ही है, 47 से लगातार विकास हुआ है। पहले बिजली ही नहीं थी, अब बिजली आ गई, टेबल फैन था तो AC आ गए, तो विकास तो हुआ ही है। लेकिन अब यह है कि सबका विकास सबका साथ वाली में कितने प्रतिशत का विकास हुआ, ये जनता महसूस करे कि हम डेवलपमेंट कर पाए कि नहीं। लगता है जिस तरह से भाजपा चला रही है 400 पार का नारा दे रही है, और विपक्ष जो है कह रहा है कि इस बार मेरा आना है इंडियन, तो क्या लगता है इस बार 400 पार? ये तो उत्साह की हर व्यक्ति को सकारात्मक बोलना चाहिए, विपक्ष को भी और जो सत्ता वाले हैं उनको भी। नकारात्मक तो बोलना भी नहीं चाहिए, सोचना भी चाहिए, और अब परिणाम 4 तारीख को शाम को आ ही जाएगा। क्या लगता है कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा क्या आप लोग के अच्छे के लिए है या कुछ ऐसा? अरे परिणाम जो जनता का मत होगा, जनता का निर्णय होगा, सबको मान्य होगा, स्वागत योग्य होगा, जो भी निर्णय होगा जनता का। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, भाई साहब भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या इनका मुद्दा होगा, भाई साहब क्या मुद्दा रहेगा? देखिए आज का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, और साथ में इस विफल सरकार ने जो लगातार युवाओं को रोजगार के नाम पे ठगने का काम किया है, वो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल की पेपर लीक हो जाती है, उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया जाता है, और लाठी चार्ज करने के बाद यही भाजपा सरकार बोलती है कि हमने ये विकास किया। किसी जनता के, ये जनता के बच्चे हैं, ये जनता के बच्चे देश के लिए काम करना चाहते हैं और किसी नौकरी में भर्ती होना चाहते हैं, पर पुलिस की डिफेंस की जो भर्ती की लोग कर रहे हैं उसमें अगर सरकार लाठी चार्ज करने लगे तो इस देश का युवा कहाँ जाएगा और कहाँ नौकरी के लिए भागेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस बार का रहेगा। तो क्या लगता है कि अगर किसी दूसरे की सरकार बनती है तो युवाओं को मौका मिलेगा इस बार, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो है रोजगार देंगे और ये देंगे, तो क्या लगता है कि इस बार होगा? देखिए 2 करोड़ नौकरी का हमने 10 साल तक देखा फजलफा, और आज तक का इतिहास है कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी, प्रति वर्ष नौकरी का जो रेशियो है 70,000, यानी सबसे गिरी हालत में किसी ने नौकरी दी होगी तो ये सरकार ने नौकरी दी होगी।
दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 30 लाख नौकरियों को हम नियुक्त करेंगे तो उसका एक पैरामीटर तय किया गया है कि अगस्त तक हम इन 30 लाख नौकरियों को बहाल करेंगे। चाहे आप रेलवे डिपार्टमेंट में देख लीजिए, रेलवे डिपार्टमेंट में 1.5 लाख नौकरियां खाली हैं, शिक्षा भर्ती में तकरीबन नहीं में तो 12 लाख नौकरियां खाली हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट का जो रेशियो है, स्टूडेंट का रेशियो देखिए, 400 व्यक्ति के पीछे एक टीचर है। जिस स्टूडेंट के ऊपर 400 व्यक्ति पे अगर एक टीचर पढ़ाने वाला रहेगा, उस देश का और उस शिक्षा का विकास क्या हो सकता है, आप उसको भली बात देख सकते हैं। और लोग भी हैं मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों का? जो है मुद्दा यही कि पूरा युवा है जो खुल के अब मोदी को वोट करें, इसलिए कि देखिए जो काशी में विकास हुआ है वो यहाँ सब कोई देख रहा है। युवा तो नाराज है, युवा तो कह रहा है कि बेरोजगारी है और महंगाई है और इसमें है कई लोग क्या वही युवा को बेरोजगारी है कि जो युवा जो अपने जांगड़ को नहीं उसमें कर सकते हैं, जैसे कि कोई फार्म भरे हैं भाई, एक बार हुआ दो बार हुआ, एक दो बार में तो उसकी किसकी नौकरी। पेपर लीक की बात भी कर रहे हैं, पेपर लीक की बात, पेपर लीक किसकी सरकार में नहीं हुई है, सबके सरकार में पेपर लीक होती है। यानी कि आपकी सरकार में होनी चाहिए ये जो लगा, नहीं होनी नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए, हो जाता है इसलिए कि देखिए जो भ्रष्ट अधिकारी है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए वो पेपर लीक कर देते हैं। आपकी सरकार ने कहा था कि कई करोड़ नौकरियां देंगे लेकिन अभी तक नहीं देंगे, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। नहीं मिल रही है भाई, सबको नौकरी मिल रही है भाई, नसीब है मिलेगा, अब नहीं मिल रहा है तो नहीं हो पा रहा है। देखिए नौकरी मिल रही है, आप कह रहे नहीं मिल रही, देखिए नौकरी मिल रही है, हम भी मान रहे हैं, रोजगार का इस समय का पैमाना ये हो गया है, विकास का पैमाना विनाश हो गया है। और इस तरीके से देखिए कि देश का युवा पकौड़ा तलने के लिए भी रोड पे चल रहा है और यही इनका प्रशासन है। पकौड़ा भी तलने के लिए तैयार है, पकौड़ा भी तलने के लिए। अरे जब देश के प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भाई तो क्यों पकौड़ा बेच के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं भैया? इस देश सुनिए, अगर अगर प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में अगर एक युवा को अगर मौका दिया गया तो अवश्य हम भी वो करने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात को समझिएगा भैया कि जिस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं नाली में से गैस बनाता था, अगर इतना ज्ञान उस समय हम लोग को था तो ये फिर आपके पास आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है। भैया क्या उन्होंने कहा कि नौकरी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का इस बार आप लोग वोट दे रहे हैं? हमें तो नहीं समझ आया कि नौकरी मिल रही है तो किस तरह से वोट दे रहे, क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए परिवर्तन। तो कौन है आपके गठबंधन? गठबंधन में आपको लग रहा है कि हाँ भाई साहब, इन्होंने कहा गठबंधन, आप क्या गठबंधन में? देखिए उन्हीं लोग हैं कि जो पिछले कई वर्षों से राज करते चले आए थे, उस समय महंगाई चरम सीमा पे थी, है सब कुछ चरम सीमा पे था, अपना लोग ये जो तो कह रहे हैं कि उस समय सरकार में जो है चरम सीमा पे थी। सुनिए एक बात मैं बोलता हूँ, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के फिर भी चुप है जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा को भी चुप बता रहे हैं क्या बात है? जेपी नड्डा कहाँ चुप है? जेपी नड्डा तो हर जगह है, लेकिन क्या है कि युवा जो भी है ठीक है, वो देखिए विकास कार्य चाहते थे, विकास कार्य हुआ, इनके सरकार में कौन ऐसी विकास कार्य हुआ है कि जो इन्होंने बता दिया कि हाँ हमारे सरकार में ये विकास कार्य हुआ है? जो भी हुआ है, बढ़ावा दिया गया था, थाना चौकी को बढ़ावा दिया गया था, भ्रष्ट अधिकारी लोग को बढ़ावा दिया गया था। तो क्या लगता है आपकी सरकार में सारा चीज नहीं है? इस सरकार में कहाँ है बताइए, यही चौराहा है पांडेपुर चौराहा, इसी चौराहे पे एक सिपाही अगर एक गाड़ी रोक लेता था तो 10,000 के नीचे लिए मानता नहीं था। आज के डेट में क्या पैसा थामने से डरता है, इसलिए कहूँ योगी मोदी सरकार का बुलडोजर हमारे पे गरज। महंगाई कहाँ गई? महंगाई तो चरम सीमा पे चल रही। महंगाई तो देखिए पहले भी थी, अब भी है, महंगाई में कोई समझौता नहीं हुआ है। क्या पहले तो जो है कांग्रेस सरकार में तो जो है तेल जो है सस्ता था, सारे चीज सस्ता था, लेकिन आपके में महंगाई जा रही है। ब्लैक मनी जो बाहर जा रही थी वो अपने उत्तर प्रदेश में तो है, जो ब्लैक मनी प्रदेशों में जमा कर रहे थे पिछले। काला धन तो नहीं आया? काला धन तो नहीं आया? आएगा, इस बार जरूर काला धन वापस आएगा। कब तक आएगा? बस ये सरकार बन जाएगी, हो सकता है कि मोदी जी अपना जितना विदेश में काला धन है उसको। तो आपको लग रहा है कि सरकार बन रही है? हम लोग तो देखिए मोदी तरफ से हैं, मोदी को वोट करेंगे। अब काला धन तो कहना चाहता है कि उनका सरकार बन गया। देखिए जनता का मत सर्वोपरि होता है, ये जनता जनार्दन का मत होता है, वो जिसको जिताए वो सबसे बड़ा मत होता है। कहने का हमारा मतलब देखिए, इन्होंने कहा कि सांसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और यहाँ पे देखिए हालत क्या हो जाती है, जब डेंगू फैल जाता है तो इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है इसमें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, ये प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है सर। आईटीज में बीएचयू आईआईटी में 3 लोगों का, एक महिला का बलात्कार हो जाता है और महिला के बलात्कार होने पे 3 आईआईटी सेल के बच्चे पाए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। क्या हम महिलाओं को इतना सुरक्षित मानते हैं? देखिए जनता
जनता इस बार समझती है बातों को और भली बात समझ रही है कि इन्होंने कितना देश में 10 साल में विकास किया है। हम भी चाहते हैं कि इस बार देश से इनकी विदाई हो और हम भी चाहते हैं कि आने वाले युवाओं को 30 साल में कम से कम 30 लाख नौकरियां मिले अगस्त तक, कि आगे आने वाले युवा अपने आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बना सके। और साथ में एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र है, मैं खुद यहाँ पे कई बार लोकलाइज में पॉलिटिकल कैंपेनिंग में कई जगह गया हूँ और आपको मैं यहीं गांजा गली है यहीं पे नई बस्ती के समय पे, वहाँ पे एक गली को आप देखिएगा वो बहुत प्रसिद्ध है, पता नहीं क्यों इतनी प्रसिद्ध है, वहाँ पे एक व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में बिजली नहीं लगी, उसने 10 बार अप्लाई करने के बाद भी बिजली विभाग ने उसको एक बिजली नहीं दे पाया। इतनी बुरी हालत है सांसदीय क्षेत्र में और आप बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास के नाम पे आपने विनाश का पैमाना तय किया है और इनका जनता किस कौन विकास कर पाएगा किसके? देखिए विकास, विकास की परिभाषा क्या होती है, आम आदमी आगे बढ़ सके, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान अगर हर व्यक्ति को मिलने लगे ना, उसको जनता से, जनता को कभी नेताओं से कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है और मकान भी मिल रहा है। इस देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी ने दूध पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, खाने पे टैक्स लगा दिया और यहाँ तक दवाइयों पे इतना हैवी 28% टैक्स लगाया है। क्या इस देश की जनता आम आदमी सुखी है? नहीं सुखी है सर, इस पे वोट पड़ेगा। फिर आपके पास आते हैं, चलिए क्या इस बार रहेगा? देखो भाई, ईमानदारी और सराफत का चर्चा करना बेकार है। हमें जितने राजनीतिक हैं सब करप्ट हैं, इन करप्टों में से जो कम करप्ट है हमें उसे ही सेलेक्ट करना है। आपको लगता है कि परिवर्तन चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो नहीं चाहिए, कार्य प्रणाली में परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब मोदी जी भी चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या लगता है आपका भी सपना है कि चाय? हमारा भी सपना है भैया, हमारा भी सपना है प्रधानमंत्री बनना। हाँ, तो आपने सुना है कि ये है थी काशी की जनता, काशी की जनता चाय बेचने वाला भी चाह रहा है कि आज हम प्रधानमंत्री बने और लोगों का ये मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी भी एक इन लोग का मुद्दा भी रहेगा। वाराणसी से न्यूज़ वर्ल्ड के लिए नोमेश श्रीवास्तव।